मैं महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, यानी क्या मुसलमानों को इस देश में देखना नहीं चाहते हैं, क्या मुसलमानों को मार देना चाहते हैं। कितनी शर्म की बात है, सरकार को भी सोचना चाहिए कि आप लोगों के बढ़ावे की वजह से ये हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम हो रही है। एक फैमिली चार लोगों को लेकर के लातूर ज़िले में औसा जाती है, दो बच्चे हैं, बीवी है, शौहर है, जाते हैं और जब शहर से निकलते हैं तो किसी की गाड़ी से थोड़ा टक्कर लग जाती है और टक्कर लगने के बाद वो व्यक्ति जो गाड़ी में है वो ऐसी गाली देता है कि लांडिया लोग, तुम लोग ये करेंगे वो करेंगे। बेचारा माफ़ी मांगता है, चला जाता है। 10 किलोमीटर जाने के बाद वो व्यक्ति गाड़ी से जाता है और गाड़ी से मारता है और उसमें दो लोगों की जगह पे मौत हो जाती है और दो लोग बेहोश होते हैं, दो दिन के बाद उनको होश आता है। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में रोज़ाना? ये चीज़ें एक दिन कितनी बर्दाश्त की जाएगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रोज़ाना नई नई चीज़ें की जा रही हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार से डिमांड करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द एक कानून बनाइएगा कि किसी ने हेट स्पीच किया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कुरान शरीफ के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ या देवी देवताओं के खिलाफ किसी के खिलाफ बोला तो उसको 153A नहीं बल्कि आतंकवाद के केस में UAPA में बंद करना चाहिए। मैं आपको वादा करता हूं कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 70% कम हो जाएगी। कि क्या सुधर जाएगा महाराष्ट्र? ये रोजाना हो रहा है। मैं देश के लोगों से क्या कहूं? मैं तो कहूंगा महाराष्ट्र में रहता हूं, यहां आमदार हूं, यहां के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, बताइए उस परिवार में क्या गुजरी? बीवी मर गई, बच्ची मर गई और मजाक हो रहा है देश के अंदर ये? इसके ऊपर मैं लातूर के लोगों से कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर सरकार से डिमांड कीजिए, हम यहां सरकार से बात करेंगे। ये अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है इस देश के लिए। जितनी लोगों ने कुर्बानी की उससे मुसलमानों ने कहीं कम नहीं किया है, लेकिन कौन सा बदला लिया जा रहा है? क्या हो रहा है ये समझो? मुसलमानों को मारा, उसके साथ हेट किया, उसके साथ नफरत किया तो आप समझते हैं सरकार आ जाएगी? मैं समझता हूं कि ये बहुत हो गया, अब इसको बंद कीजिए।